नमस्कार। एनसीआर खासकर दिल्ली में लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। यहाँ पर एयर क्वालिटी लगातार गिर रही है और उसको लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। उसके बीच में इसके समाधान ढूंढने के भी प्रयास हो रहे हैं। एनजीटी ने आज बड़े फैसले का जिस तरह ऐलान किया, एनजीटी का कहना था कि जो तमाम एग्जेम्पशंस पहले रही हैं उनको दूर किया जाए और नए स्वरूप में ऑड इवन को लागू किया जाए, जिसमें टू व्हीलर्स की एग्जेम्पशन भी ना हो और ना ही फीमेल ड्राइवर्स की हो। लेकिन दिल्ली में इसको लेकर इशूज हो रहे हैं, खासकर जो दिल्ली सरकार है उसको एनजीटी की कुछ शर्तें मंजूर नहीं है। एनजीटी में रिव्यू पिटिशन भी दाखिल करेगी दिल्ली सरकार, क्योंकि टू व्हीलर्स और महिलाओं की जहां तक मांग है इस पर वो छूट की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अमन पनवर साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हरीश खुराना साहब हैं और साथ ही डॉक्टर डी आर राय हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं आईएमए के। कुछ ही देर में हमारे साथ पुलिस मुखर्जी साहब भी रहेंगे जो कि सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं, स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीएससी को। आप सभी का शुक्रिया। लेकिन पहले डॉक्टर राय आपके पास हम आना चाहेंगे, आप ये बताइए ये जो हम देख रहे हैं स्मॉग की जो इतनी गंभीर समस्या है इसको लेकर खासकर जिंदगियों के साथ काफी खिलवाड़ हो रहा है, हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, कई लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखेंगे? क्या ये जो एक स्मॉग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि बड़ा किलर है पूरे एनसीआर रीजन के लिए? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो इसको ऐसे कहूंगा कि मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन सरकार की उदासीनता बड़ी शर्म की बात है। कभी भी उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि हमारा एक कर्तव्य बनता है कि दिल्ली की जनता को स्वच्छ हवा देने की कोशिश करें देवें, लेकिन उनका कहीं भी ध्यान नहीं है। आज वो पोल्यूशन की बातें करते हैं, ये पिछले 8 साल से एज ए डॉक्टर एज ए एक्टिविस्ट मैं आपके टीवी के ऊपर कई बार आ चुका हूँ इन्हीं महीनों के अंदर। ये समस्या कोई आज की नहीं है, अगर आप 2010 के आंकड़े उठा के देखो तो उस वक्त भी पोल्यूशन की हमारा लेवल 150 से ऊपर था और 2013 में 300 से ऊपर चला गया और आज 2017 के अंदर ये 1000 को क्रॉस कर गया। और ये कहना कि इस वक्त ये पोल्यूशन जो है इससे रुक जाएगा, नहीं। ये देखिए सबसे ज़्यादा पोल्यूशन अगर कहते हैं हम कि 20% जो है ना हमारे ऑटोमोबाइल्स होता है, लेकिन उसके अलावा दूसरा ये पेडीज की जो जलाने की बात करते हैं सिर्फ उससे 8% है। लेकिन मेन पोल्यूशन आज हमारा सड़कों के ऊपर हमारे घरों के बाहर ये कंस्ट्रक्शन से हमारे दिल्ली को जो खराब कर रहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज मैं कहता हूं कि अगर सरकार उदासीनता ना अपनी दिखाकर ये कंस्ट्रक्शन को ही रोक देती तो कितना फायदा होता, थोड़ा कि वाटर स्प्रे करवा देती कितना होता। आज भी आप दिल्ली की सड़कों पे जाइए, खड्डे पड़े हुए हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, आप कैसे वो अपने करेंगे? आपकी उदासीनता तो यहीं से लगती है कि आप सीरियस नहीं हो। ओके डॉक्टर साहब लौट कर आते हैं, आपने बताया इसमें कई तरह के मोर्चों पर हमें लड़ाई लड़नी होगी, कई मोर्चों पर, चाहे वो किसानों के फ्रंट से जो हम देख रहे हैं जो हो रहा है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आपके पास हम लौट कर आते हैं, आपके पास लौट कर आते हैं फिर इसके और पहलुओं को छुएंगे। जी सर, अभी एक कमेंट हम लेना चाहेंगे, हमारे साथ खुराना साहब हैं। खुराना साहब ये बताइए, लड़ाई तो कई फ्रंट्स पर लड़नी होगी क्योंकि ये एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के साथ साथ इंडिविजुअल्स की लाइफ का मामला है, लोगों की जिंदगी का मामला है। आखिर ये ग्रोथ विकास किस काम का, जब आप सांस ही नहीं ले पाएंगे तो शहर में रहने का क्या फायदा? आप ये बताइए ये जो ऑड इवन की बात हो रही है आप उसके पक्ष में हैं या नहीं हैं? देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने शुरू से एक बात हमने क्लियर करी थी, ये बात पिछले साल भी आई थी और इस साल भी हम बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार दिल्ली के एनवायरमेंट को लेके, जनता के भविष्य को लेके या जनता के लिए जो भी कदम उठाएगी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। लेकिन मुझे हैरानी तब होती है जब आधी अधूरी अध कचरी तैयारी उसके साथ ऑड इवन जैसी एक स्कीम आम आदमी पार्टी ले आए और यहां तक कि कोई तैयारी ना हो। दिल्ली के अंदर आज हालत यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग कोलैप्सिंग के स्टेज के ऊपर है, लगभग 12,000 बसें दिल्ली के अंदर जरूरत है, आपके पास 4,000 बसें हैं। आप इमेजिन करिए विजन भला हो कांग्रेस और भाजपा की पुरानी सरकारों का, अगर मेट्रो ना होती आज दिल्ली के अंदर, यहाँ अमन भाई भी बैठे हैं कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी 93 के अंदर और उसको कंटिन्यू किया कांग्रेस की सरकार ने, आज अगर मेट्रो दिल्ली के अंदर ना होती तो आप दिल्ली का हालत देखते क्या होती? एक मिनट मैं बोल दीजिए जी। और मैं एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रूफ रख रहा हूं आपके आगे, 5 नवंबर को भोपाल के अंदर, 5 नवंबर कोई बहुत पुरानी डेट नहीं है, अरविंद केजरीवाल साहब खुद कहते हैं
कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला फेल हो गया। ये कोई हरीश खुराना का वक्तव्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य नहीं है, ये अच्छा, भोपाल की अखबारों में वहां छपा है, बकायदा अखबारों में मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, तो अगर 5 नवंबर को दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि ऑड इवन फेल है, तो किस बिना के ऊपर वो एनजीटी में जाके दावे करता है कि मैं ऑड इवन लागू कर रहा हूं? तो ये अच्छा, डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? आप ये बताइए, आपकी तरफ से क्या, बीजेपी की जो सेंटर में सरकार है, आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? लोग जानना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई मीटिंग की गई? अगर नेबरिंग स्टेट से भी पॉल्यूशन आ रहा है, या मिलजुल के कोई बैठक की गई है कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या ठोस फॉर्मूला निकाला गया, इतनी प्रॉब्लम क्यों एस्केलेट होने दी गई? सौरभ भाई, मैं कोई बिना सबूत की बात नहीं रखता, मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से आपकी जनता को दिखा रहा हूं। 29 दिसंबर 2015 को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के तहत आता है, उन्होंने चिट्ठी लिखी दिल्ली को, हरियाणा को और पंजाब को, और साफ निर्देश दिए कि आप एक एक्शन प्लान के तहत ये स्टेप उठाइए। और कोई स्टेप, कोई रॉकेट साइंस नहीं थे, छोटे छोटे स्टेप थे। जैसे अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, पॉट होल्स को भरना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वैक्यूम क्लीनर्स के थ्रू सफाई करना, मिट्टी को उना उनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंस्ट्रक्शन को कवर करना और कवर करके कंस्ट्रक्शन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप दोष दें कि केंद्र हेल्प नहीं कर रही और पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री पराली में सहयोग कर रहे हैं, तो दूसरों का दोष, अगर आप अपना दोष दूसरों के सर मनेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। ओके, मैं छोटी सी बात और करूंगा। एक तरफ तो ये अरविंद केजरीवाल साहब दावे करते हैं कि पराली की वजह से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन आया, और उन्हीं के विपक्ष के नेता सुखपाल खेरा पंजाब के ये पराली जलाते हुए फोटो खींच के ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि देखिए मैं तो पराली जलाऊंगा, जो करना है कर लीजिए। अच्छा बॉस, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि आपने ओपनिंग कमेंट रखा, दूसरों का फोड़ा जाता है। आपके पास लौट कर आते हैं, मुखर्जी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुखर्जी साहब, ये बताइए, ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा। इस पे हम देखें, ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए, आप ये बताइए, इसमें इस समय वॉर फुटिंग पर लड़ने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्या आपको वो नजर आ रहा है? मतलब ये इंडिविजुअल्स की, लोगों की जिंदगी की बात है, वो आपको नजर आ रहा है सीरियसनेस? मतलब स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, इतने एस्केलेट हो चुके, इतनी प्रॉब्लम है, लोग कहीं तो सोच रहे हैं कि यहां पर उनके कारोबार हैं, नौकरियां हैं, रह रहे हैं, अदरवाइज कई इंडिविजुअल्स तो ऑप्शंस वे भी देख रहे हैं, अगर बेटर मिल सके तो क्यों ना जाया जाए। ऐसी इतनी गंभीर सिचुएशन में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है इंडिविजुअल्स के लिए। जी, ये देखिए, हम देख रहे हैं कि ये पिछले 10 दिनों में जो डिस्कशन हो रहा है स्मॉग शुरू होने के बाद, वही डिस्कशन अगर उसी इंटेंसिटी से पूरे साल भर चले, बिल्कुल, तब जाकर कुछ हो सकता है। ये जो आपको लगता है कंबाइंड एफर्ट हो, सभी मिलकर आए, ये मतलब सभी के लिए ये रिक्वायर्ड है, सभी सभी के लिए। अभी भी जो स्टेप्स हो रहे हैं वो एक प्लान के तहत हो रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेटर रिस्पांस एक्शन प्लान। बिल्कुल, ये जो ग्रेटर रिस्पांस एक्शन प्लान है, ये एक रिएक्टिव प्लान है। मतलब इसका जो पर्पस था, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल स्मॉग के बाद कहा गया था कि एक स्मॉग अलर्ट सिस्टम क्रिएट किया जाए, और उस स्मॉग अलर्ट सिस्टम के तहत इमरजेंसी के टाइम पर जो मेजर्स लिए जाने चाहिए वो उसकी एक सिस्टम क्रिएट किए जाए। हम आपके पास एक ग्रेडेड में आते हैं, एक आप जैसे आज की आप इस पर एक थोड़ा सा रिएक्शन दे सकें, फिर हम अमन साहब हर साथ उनके पास भी आना चाहेंगे। आप ये बताइए, मैं जो ऑड इवन जो स्पेसिफिकली पहले जो लागू किया गया था उस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं, उससे कितना फायदा हुआ था उस पर आप बताएंगे, एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई थी, कुछ स्टडीज कुछ रिपोर्ट्स उसके बारे में इंडिकेशन देती हैं, जो ऑड इवन की आज जो बात हो रही है, तो हम जब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, पिछला अनुभव क्या सिखाता है हमें? देखिए, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऑड इवन क्या चीज है। ऑड इवन जो है वो एक इमरजेंसी मेजर है, इसे तब इंप्लीमेंट करना चाहिए जब लेवल्स इमरजेंसी पर पहुंच जाए, सिचुएशन है विदाउट एग्जेम्पशंस एंड इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब है अगर आज लेवल्स पहुंच गए तो आज से इम्प्लीमेंट करें, ये ना कि मंडे से करें। यानी अब जैसे कहा जा रहा था, एनजीटी की तरफ से बताया गया, ये अगर 48 आवर्स के बाद एक ऐसे डेंजर लेवल को क्रॉस करता है तो आप इंतजार मत कीजिए, ऑटोमेटिकली उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप वही कह रहे हैं, तो पिछले दो बार जो हुआ था उसमें ये दोनों फैक्टर्स फुलफिल नहीं हुए थे। ओके, मतलब आप पक्ष में है इसमें, ना फीमेल ड्राइवर्स को एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, ना टू व्हीलर सभी शामिल हो। बिल्कुल, अब आप बताइए आपका स्टैंड क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, लोग समझना चाह रहे हैं, आप लोगों की तरफ से क्या व्यू पॉइंट है और क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन है, 60% जो पॉल्यूशन है वो व्हीकुलर पॉल्यूशन और रोड डस्ट के कारण पॉल्यूशन है। और इसको जानते हुए
कि किस तरीके से जो व्हीकल्स और रोड डस्ट हमारे पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सरकार को जो पहला कदम उठाना चाहिए था वो ये था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑगमेंट करना चाहिए था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना चाहिए था। हम अगर दिल्ली की सिचुएशन देखें तो 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 5445 डीटीसी की बसें थी डीटीसी के खेमे में। आज डीटीसी की जो बसें हैं वो 3900 बसें जो हैं बच के रह चुकी हैं, 1500 बसें जो हैं 3 साल में कम हो गई हैं। और आप ये देखें कि कितने पैसेंजर जो डीटीसी ढोती थी जब जो डीटीसी में ट्रैवल करते थे 2013 में 4,77,000 पैसेंजर डेली ट्रैवल करते थे डीटीसी में 2013 में। और ये डीटीसी के खुद के आंकड़े हैं जो मैं बता रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के, आज वो घटकर सिर्फ 25,81,000 जो ट्रैवलर्स हैं, जो पैसेंजर हैं, वो डीटीसी में ट्रैवल करते हैं। यानी तो जहां तक ऑड इवन का सवाल है, हम ऑड इवन के विपक्ष में नहीं है, पर जब ऑड इवन आपने 2015 में लागू किया, जब आपने नीजर्क रिएक्शन के तहत लागू किया 2016 में लागू किया, नीजर्क रिएक्शन के तहत लागू किया, अब भी जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई तो आप ऑड इवन लेकर के आ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पक्ष में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कोई भी कदम लिए? और मेट्रो का किराया अगर आप देखें तो उसमें केंद्र सरकार भी इंप्लीमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं। क्यों नहीं किया उन्होंने, क्यों नहीं बसें खरीदी? पिछले 3 साल में उन्होंने कितने करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए अपने विज्ञापन में उड़ा दिए। उन्होंने अपनी एमएलए की जो सैलरी थी वो 400% से बढ़ा दी, 4 गुना कर दी। तो आपने पैसे जो है डीटीसी की बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में बेहतर बनाने के लिए क्यों नहीं करे? और ये सवाल भाजपा से भी पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली में जो मेट्रो का किराया है आज दुगना हो गया जो 1 साल पहले था। मेरे घर पे जो एक ड्राइवर काम करता है जो पहले मेट्रो से आता था, आज उसने एक सेकंड हैंड स्कूटी खरीद ली है। तो लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ के प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट हो रहे हैं। क्या सरकार को यह ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है? आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पक्ष में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विषय में क्या कदम उठाए हैं, इस पर आप एक स्वीकृत पत्र लेकर आइए। इसमें सरकार का जो है सबसे बड़ा फेलियर सामने आएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में मुखर्जी साहब अभी कह रहे थे, वो लास्ट ईयर जब सुप्रीम कोर्ट ने जब लागू किया तो उसके तहत हमको कुछ कदम उठाने थे कि सिचुएशन अगर इतनी गंभीर हो जाती है तो ABCD कदम उठाने चाहिए थे सरकार को, अगर उससे ज्यादा गंभीर हो जाती है तो फिर ये कदम उठाने चाहिए थे। अब ये आप ही की एक मीडिया की रिपोर्ट है जो कहती है कि दिल्ली में अक्टूबर 1 और नवंबर 1 के बीच में एयर क्वालिटी जो पुअर सेगमेंट में थी वो 8 बार गई। अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी अलर्ट जारी नहीं किया। वेरी पुअर 21 बार गई, इमरजेंसी 2 बार गई। ये अलर्ट क्यों नहीं जारी करे गए और क्यों नहीं जारी करके गए? एक दूसरे पे हम देख रहे हैं, जैसे बता रहे हैं उनकी कमी है, उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप ये बताइए आपकी तरफ से, आप लोगों की पंजाब में गवर्नमेंट है, बिल्कुल पराली को लेकर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एक्जैक्टली क्या है? हम थोड़ा ना एक्चुअली प्रॉब्लम तो सबको पता है, आपको आप थोड़ा उसके सजेशन सॉल्यूशंस और काम करने पर बात करते हैं, बढ़ना कैसे आगे, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं इसमें इमीडिएट एक्शन हो। देखिए एक्शन होना चाहिए जी। आपने बहुत इस पे बहुत इन्फॉर्म्ड डिबेट की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में जो आज PM2.5 लेवल है उसका जो लेवल है वो 1400 के आसपास पहुंच गया है, पार्टिकुलेट मैटर का जो लेवल है। पंजाब में जहां पे ये पराली की बात करते हैं, मैं पंजाब सरकार से ये फिगर्स लेकर के आया हूं, वो आज 220 है। जब पंजाब में एयर क्वालिटी इतनी है और हरियाणा में जो एयर क्वालिटी है वो 250 है, तो आप यहां दिल्ली में बैठे बड़े आसानी से आप पंजाब की सरकार पे आरोप लगा देते हैं। ये इस बारे क्योंकि, में आप, ओके। क्योंकि बात ये IIT कानपुर की रिपोर्ट है कि जो जो पराली से जो पॉल्यूशन दिल्ली में फैलता है वो 8% पॉल्यूशन है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और उसमें मेरे ख्याल से सेंटर को बिग ब्रदर का रोल प्ले करना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर एक जो है जो सामूहिक एक बैठक होनी चाहिए और उसमें इसका पॉल्यूशन निकल। ओके मुखर्जी साहब आप एक रिएक्शन दें फिर हम रुक करेंगे खुराना साहब का। आप ये बताइए इसको लेकर जहां तक की पराली की विवाद है, इसमें क्योंकि हम मल्टीपल फ्रंट्स पर बात कर रहे हैं, ऑड इवन पर हमने राय ली, इस पर आपका क्या एनालिसिस है? क्योंकि बात जब हो रही है इनोवेशन, इतना कुछ हो रहा है, हमारे यंग ब्रिगेड, इतने स्टार्टअप, इतना कुछ आइडियाज आ रहे हैं, क्यों इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एक ठोस सोल्यूशन निकल जाए कि ऐसा कि इसकी प्रॉब्लम इस तरह से ना हो, इसमें क्या कुछ कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स भी और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए पराली जलाने की जो प्रॉब्लम है, किसानों के पास ऑप्शन एग्जैक्टली है क्या? मुझे वही बताने दीजिए, 2-3 ऑप्शन है, दोनों टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है। एक है, एक देयर इज ऑलरेडी अ टेक्नोलॉजी जिसे हैप्पी सीडर कहते हैं और उसका इस्तेमाल करके ये पराली जलाना अवॉइड कर सकते हैं। उसमें 2 दिक्कत आ रही है, द टेक्नोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव, वो 1.5 से 2 लाख के बीच में आता है और वो हर किसान एम्प्लॉय नहीं कर सकता। बट इसके साथ साथ और भी मेजर्स हैं
जो किए जा सकते हैं, जो पराली जो है इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन इन पावर प्लांट्स, उसे यूज करते हैं, कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल इन काफी सारे इंडस्ट्रीज. तो इस पे जो स्टेप्स हैं ये भी लिए जा सकते थे. और ईपीसीए जिसके साथ में मैं काम करता हूँ वो भी पिछले 6 सालों से 7 सालों से इसकी कोशिश कर रही है. इसमें 2-3 शॉर्टकमिंग्स हुए हैं. पंजाब गवर्नमेंट ने एडिक्वेट सपोर्ट नहीं दिया है एंड एट द सेम टाइम हरियाणा गवर्नमेंट एज वेल. और जब तक आप अल्टरनेटिव नहीं दोगे यू कैन नॉट पिनलाइज देम. इस साल क्या हुआ है, एनजीटी के प्रेशर के अंडर आके पिनलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, विच इज वाई द होल मैटर इज बिकम पॉलिटिकल. और ये आप देख रहे हैं. आइए अब खुराना साहब, आपका रिएक्शन आपने सुना कि किस तरह से सभी मिलकर इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बेहद जरूरी है. आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि हमें आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस नहीं देख रहे हैं इस वक्त. इसमें राजनीति की बात नहीं है. जो सांसे आम आदमी पार्टी लेती है वही सांसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लेते हैं और वही आम जनता भी लेती है. तो सवाल इस वक्त आम पार्टीबाजी का नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स का नहीं होना चाहिए. जी, बिल्कुल. मुद्दों के ऊपर कैसे इसको हल किया जाए ये होना चाहिए. मैं उसी बात पे आ रहा हूं. आज एक बात समझ लीजिए, पराली ही दिल्ली के अंदर समस्या नहीं है. दिल्ली के अंदर पराली सिर्फ 8% की समस्या है, 25% की समस्या है व्हीकल एमिशंस की वजह से, 20% की समस्या है इंडस्ट्रियल की वजह से, डस्ट की समस्या है. ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर उठाए जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है. अब जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, मैंने पिछले साल दिल्ली की सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें मैंने ये कहा था कि सवेरे 8 से लेकर 10 बजे तक सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है बिकॉज ट्रैफिक की समस्या होती है, लोग घरों से अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं. क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम ऑफिस आवर्स सेग्रीगेट कर दें, किसी को 9 बजे बुलाएं, किसी को 10 बजे बुलाएं, किसी को 11 बजे बुलाएं? तो उससे क्या होगा कि जो इंसान, हर इंसान जो 8 बजे निकलता है वो एक एक घंटे के गैप में निकलेगा, तो दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा. ये मैंने छोटा सजेशन दिया था लेकिन कुछ नहीं होना. पॉट होल भरना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, उसको भरने की कोई कुछ करिए. रेड लाइट के ऊपर जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, चाहे वो आनंद विहार हो चाहे वो नेहरू प्लेस हो, क्या वहां पे हम स्प्रिंकलर्स या फॉरे टाइप कुछ नहीं लगा सकते? ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स है. अगर हम वहां पे फॉरे लगा लेंगे तो जो पॉल्यूशन की समस्या है थोड़ी कम हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी. ये चीजें सिर्फ एक इच्छा शक्ति की जरूरत है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऊपर से आके नहीं समझाएगा. हम लोग खुद जानते हैं, हम लोग खुद इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लोग निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल इस चीज का है कि इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है. ओके, अब डॉक्टर साहब आपके पास एक बार हम आएंगे. आप ये बताइए, ग्रेडेड प्लान की जो बात हो रही है मुखर्जी साहब, इसमें हम आपसे भी व्यू लेंगे. इसमें पावर प्लांट्स को लेकर जिस तरह से कुछ उसमें बंद करने की बात, या जेनसेट्स की, या हमने देखा ये ऑड इवन की बात हो रही है, बात ये भी हो रही है कि वाटर स्प्रे किया जाए हेलीकॉप्टर के जरिए, क्या कुछ आपको लग रहा है? मतलब ये सभी मिलजुल कर जो एफर्ट्स की बात हो रही है, ये आपको इस समय सिनेरियो किस तरह लग रहा है? मतलब ये जो बात हो रही है वॉर फुटिंग पर आप कीजिए जो करना है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? और हेल्थ को लेकर क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लोगों में, बच्चों में भी, सीनियर सिटीजन्स में, या इनफैक्ट यंगस्टर्स में भी आजकल कई तरह के स्ट्रेस रिलेटेड, और साथ में ये उसमें एड ऑन कर रहा है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं तो इसको एक शब्द में कहूंगा कि ये हमारी सरकार की उदासीनता है जिसको किसी की स्वास्थ्य की चिंता नहीं है. जहां तक सवाल है, मैंने 3 दिन पहले आपके जी बिजनेस के ऊपर ये कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केजरीवाल साहब. वार फुटिंग के ऊपर जब तक काम नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते. मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि आदरणीय केजरीवाल साहब 5 दिन के अंदर ये समस्या कैसे हल करने की सोच रहे थे कि 13 तारीख से 17 तारीख तक मैं ओडीमन लेके आ रहा हूं. ये एक हास्यपद स्थिति लगती है. अरे ये समस्या 3 दिन में खत्म होने वाली नहीं, हो सकता है इन पांच दिनों के बाद और पोल्यूशन बढ़ जाता और एटमोस्फेयर खराब हो जाता, तब आप क्या डॉक्टर साहब? जब तक कि इनको उसके ऊपर इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे ये, और ये वक्त हमारा राजनीति करने का नहीं है. इस वक्त हमको हर चीज को भूल के सिर्फ अपने अपने देश के, इन दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए. मैं कहता हूं आप किसी भी चौराहे को ले लीजिए, एक डिसिप्लिन हमारे देश के अंदर नहीं है जिसे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती है. आप कोई चौराहा लीजिए, वहां पर लोग स्कूटर को पुर इतना एक्सीलेटर दे दे के मुद्दे हैं, आधी सड़क को घेर के खड़े हुए हैं. जी आपने जिस तरह से पक्ष रखा, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, चलते बहुत ज्यादा है. ओके, चलते चलते एक फाइनल वर्ड हमने सबके लिए, मुखर्जी साहब अब आपकी तरफ से एक फाइनल कमेंट. जी देखिए, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है, बिल्कुल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, और ये पहली बार नहीं है. आप आज की अगर वीडियो को अगले साल चलाएंगे तो ये अगले साल भी रेलेवेंट होगा.
तो इसका ये बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन मतलब नहीं, प्रोग्रेस, ये ग्रोथ, ये सब किस काम की, किस काम की है अगर हेल्थ नहीं बचेगी। हेल्थ से आपकी आपकी एम्प्लॉयमेंट डाउन जा रही है, आपकी आपके प्रोडक्शन वैल्यू डाउन जा रही है। दिवाली पर हुआ क्रैकर्स को बैन, उसके सेल को, ये मतलब क्या इंडिकेशंस क्या है? एक चीज बस कहना चाहूंगा, स्कूल बैन, ये क्या मतलब हो क्या रहा है ये? मैं बस एक चीज में कहना चाहूंगा, इसमें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे NHAI के काफी रोल्स हैं। सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, इन सबको मिलकर आगे साथ में बढ़ना पड़ेगा। आप सभी का शुक्रिया। तो ये जिस तरह से आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमने आपके समक्ष रखी हैं, और डीवन को लेकर जो तमाम गतिविधियां रही हैं, उम्मीद करते हैं सभी मिलकर जो तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इतनी गंभीर रूप ले चुकी हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी को लेकर इतने गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, अब मिलकर काम करेंगे और जल्द करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।